नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में हनुमान जयंती प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। श्रद्धालु बड़े ही भक्तिभाव के साथ हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने में लगे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ किया जा रहा है तो कहीं जगह पर हवन भी किया जा रहा है। और सिद्धपीठ बैरागढ़ धाम पर हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर बालाजी हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस संबंध में वेदांति जी महाराज ने बताया है कि हनुमान जी स्वयं साक्षात शिव का अवतार हैं, भगवान एकादश के अवतार हैं। शुभ नाम आपका? राम नारायण सिद्धांति। सिद्धांति जी, आज जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। भगवान हनुमान के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा कह करके उनका पूरा परिचय दे दिया है। जो शरीर रति राम सो, सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। हनुमान क्या बात। तो भगवान जो हनुमान हैं वो साक्षात शिव हैं, एकादश रुद्र के अवतार हैं। जब रावण ने, भगवान श्री राम ने अवतार लिया रावण का वध करने के लिए, तो सभी देवताओं से उन्होंने कहा कि वानर तन धर धर मही हरिपद से वह जाए। तो उस समय भगवान शिव ने भी विचार किया कि भगवान हमारे आराध्य अवतार ले रहे हैं, तो एक तरफ हमारे आराध्य भगवान राम हैं और दूसरी तरफ हमारा भक्त शिष्य महाप्रतापी रावण है, तो एक असमंजस की स्थिति है। तो थोड़ा विचार किया तो भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी पार्वती जी ने पूछा, महाराज किस बात का संकोच है? तो भगवान शिव ने कहा कि संकोच इस बात का है कि एक तरफ तो हमारे आराध्य हैं, दूसरी तरफ हमारा शिष्य रावण है और भगवान का आदेश है कि अवतार लेकर के लीला में सहयोग करो। तो थोड़ा संकोच सोच रहे थे कि कैसे करें क्या करें। तो भगवती ने एक बड़ा सुंदर समाधान दिया। भगवती पार्वती ने कहा कि रावण ने 10 सिर चढ़ा करके आपके 10 स्वरूपों को प्रसन्न किया, लेकिन आपके 11 स्वरूप एकादश रुद्र कहे जाते हैं। तो एक जो आपका स्वरूप है 11वें रुद्र का, वो तो बचा हुआ है। 10 सिर चढ़ा के 10 स्वरूपों को उसने प्रसन्न किया है, लेकिन 11वां जो आपका स्वरूप है वो स्वरूप से आप अवतार ले लीजिए। तो उसी एकादश भगवान शिव का जो एकादश रुद्र का स्वरूप था, वही हनुमान जी के रूप में भगवान श्री राम की सेवा आज के दिन उनकी लीला के लीला में सहयोग देने के लिए प्रकट हो गया। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा ब्रजेंद्र पुजारी। पुजारी जी, जो आज जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इस पर सब प्रकाश डालिए थोड़ा। क्या हम आप इस मंदिर हनुमान जी का जन्मोत्सव हनुमान जयंती बोलते हैं। तो आज शहर पूना में सुने हैं कि भगवान श्री राम के बाद हनुमान जी ने जन्म लिया था, तो मतलब आज कौन से दिन कौन सी तिथि को क्या जन्म हुआ इनका, पूरा उनका थोड़ा वर्णन से बताएं। उनका जन्म जो है चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। इस मंदिर के बारे में विशेषता बताएं। इस मंदिर के बारे में विशेषता ये है कि हनुमान जी सब 10 के हनुमान जी हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इनके दर्शन करने से, ऐसा इनके बारे में कहा गया है।